अरविंद केजरीवाल जो इस देश की राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करने आए थे, वो और उनकी पार्टी खुद ही चौतरफा हमले झेल रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और इस बात की बेचैनी पार्टी के भीतर और बाहर कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व से साफ तौर पर देखी जा सकती है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने की वजह से लगातार घिर रहे ग्राफ को देखते हुए आम आदमी पार्टी अब बेबस है। ऐसे में अब कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करने के लिए पार्टी की झटपटाहट बढ़ती जा रही है। राजनीतिक नैतिकता के आधार पर पार्टी का लगभग पतन हो चुका है, जिस वजह से पार्टी के बड़े आंदोलनों से आम जनमानस और पार्टी कार्यकर्ताओं को हुजूम भी नहीं जुट पा रहा, जिस कारण पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर पार्टी ने अपनी प्रासंगिकता को आंशिक स्तर पर खो दिया है तो सत्ता में वापसी तो छोड़िए, किसी राज्य में एक आध सीट निकालना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो जाएगा। आखिर आम आदमी पार्टी के खामोशी के पीछे क्या है कारण, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। करीब एक दशक पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने हाल ही में जहां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है, तो वहीं उन्हें इन दिनों कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। कथित शराब घोटाले में पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया जेल चले गए, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई के सामने पेश होना पड़ा है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी पर करप्शन के आरोपों ने बीजेपी को घेराबंदी का मौका दे दिया है। जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया, लेकिन आपको इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ और पहले की तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुजूम भी नहीं जुट पाई। ऐसे में इस मुश्किल वक्त में पार्टी उन कार्यकर्ताओं को भी याद कर रही है जो शुरुआती दौर में उससे जुड़े थे, लेकिन लंबे समय से खामोश और निष्क्रिय हैं। पार्टी उन वॉलंटियर से संपर्क साध रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि हम ऐसे वॉलंटियर से संपर्क कर रहे हैं जो लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहे। उनसे पूछा जाएगा कि आखिर किन वजहों से वो पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय नहीं है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एक आम आदमी पार्टी नेता के नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा है कि पिछले कुछ महीनों में पार्टी की ओर से आयोजित प्रदर्शन और आयोजनों में कार्यकर्ताओं की संख्या में गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि इस प्लान को पार्टी नेतृत्व के साथ साझा किया गया है और जल्द ही इसे मिशन मोड में अंजाम दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि पिछले रविवार को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के सामने पेशी से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन का प्लान बनाया था, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश उम्मीद के मुताबिक नहीं था। पार्टी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे, लेकिन पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं दिखी। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जिन 1300 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, उनमें से कई पंजाब से आए थे। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हिलती सियासी जमीन ने पार्टी नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में युवा और समाज के अलग अलग तबकों से लोग आगे कर बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स बने थे। बाद में जब केजरीवाल ने राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया तो इनमें से अधिकतर लोगों के साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने पार्टी से दूरी बना ली। इनमें आम कार्यकर्ता से लेकर कुमार विश्वास जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन अब मुश्किल वक्त में पार्टी अपने पुराने वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं से संपर्क करने की रणनीति बना रही है, ताकि बड़े पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी और जांच एजेंसियों की पूछताछ के दौरान पार्टी सड़क पर उतर कर जोरदार प्रदर्शन कर सके। हालांकि आम आदमी पार्टी इनमें कितना कामयाब होती है, ये तो भविष्य की गर्व में है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।